नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का दूसरा दिन आज है। रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में होगी बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मिलेंगे पीएम मोदी। व्हाइट हाउस में आज रात 8 बजे क्वाड सम्मेलन भी होगा आयोजित। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को लेकर होगी बात। तो बेहद अहम ये पूरी बातचीत होगी, चर्चा होगी और पूरी दुनिया की निगाहें आज की इस बेहद खास मुलाकात पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन से पहली बार आमने सामने की मुलाकात होगी। हालांकि इससे पहले 3 बार वर्चुअली दोनों मुलाकात कर चुके हैं। तो आज पीएम मोदी का अमेरिका दौरे का दूसरा दिन है। रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी जो है उनसे मिलेंगे व्हाइट हाउस में आज रात 8 बजे। क्वाड सम्मेलन भी होगा आयोजित। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख जो है इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को लेकर बात जो है वो की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के तालिबान राज वहां पर है, ऐसे में चीन और पाकिस्तान जो है तालिबान सरकार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इस प्रमुख मुद्दे पर खास बातचीत आज हो। तो वहीं व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता देते हुए कहा, कम समय में यूएस ने कई उपलब्धियां जो है वो हासिल की है। जलवायु, क्वाड, कोरोना पर अमेरिका ने विशेष पहल की है। कमला हैरिस को भारत आने का विशेष आमंत्रण जो है वो दिया है और मैं आपको भारत आने का न्योता देता हूं, ये पीएम मोदी ने कहा। और साथ ही कहा कि आपने चुनौतीपूर्ण माहौल में नेतृत्व संभाला है, हमारे बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, हमारा सहयोग बढ़ता जा रहा है, 40 लाख प्रवासी दोनों देशों के बीच पुल है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे बीच सहयोग जरूरी है। कमला हैरिस ने पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। तो ये भी बेहद खास मुलाकात रही कमला हैरिस जो है उनके साथ पीएम मोदी की, और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, बातचीत की गई। तो व्हाइट हाउस में ये मुलाकात हुई, तो वहीं पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता देते हुए कहा कि कम समय में यूएस ने कई उपलब्धि जो है वो हासिल की है, चाहे बात हो जलवायु की या अन्य प्रमुख मुद्दों की। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि जलवायु, क्वाड, कोरोना पर अमेरिका ने विशेष पहल जो है वो की है। कमला हैरिस को भारत आने का विशेष आमंत्रण यानी कि इनविटेशन भी पीएम मोदी ने दिया है, मैं आपको भारत आने का न्योता देता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही आगे अपनी बात को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि आपने चुनौतीपूर्ण माहौल में नेतृत्व संभाला है, हमारे बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, हमारा सहयोग बढ़ता जा रहा है, 40 लाख प्रवासी दोनों देशों के बीच जो है पुल का काम कर रहे हैं, पुल है। तो वहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे बीच सहयोग जो है वो बेहद जरूरी है। तो वहीं कमला हैरिस ने पीएम मोदी का शुक्रिया जो है वो भी अदा किया। केंद्र सरकार द्वारा 2021 की जनगणना में जात आधारित सर्वे का विरोध। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर मुकदमों का जताया विरोध। केंद्र ने शपथ पत्र दाखिल कर अपना विरोध प्रकट किया है। तो वहीं इसके पीछे केंद्र सरकार दे रही तर्क, ओबीसी की गणना करना प्रशासनिक तौर पर मुश्किल है, जनगणना में प्रशासनिक त्रुटियां रह जाएंगी, एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस बारे में राय व्यक्त करता आया है। ऐसी जनगणना किसी भी आरक्षण के लिए हो, चाहे शिक्षा हो या फिर रोजगार देने के लिए आधार नहीं बन सकती। तो ये बेहद अहम ये पूरी खबर इस वक्त आपके सामने। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 की जनगणना में जात आधारित सर्वे का विरोध किया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर मुकदमों को जो है उनका विरोध जताया गया है। साथ ही केंद्र ने शपथ पत्र दाखिल कर अपना विरोध जो है वो प्रकट किया है। और इसके पीछे केंद्र सरकार ने जो तर्क दिया है वो आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि ओबीसी की जो गणना करना प्रशासनिक तौर पर मुश्किल है, जनगणना में प्रशासनिक त्रुटियां रह जाएंगी, एक्यूरेसी जो है वो भी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह के मामले में राय व्यक्त करता आया है। ऐसी जनगणना किसी भी आरक्षण के लिए हो, चाहे शिक्षा हो या फिर रोजगार देने के लिए आधार नहीं बन सकती है।
ममता बनर्जी का त्रिपुरा, असम और गोवा में खेला होबे का नारा। प्रशांत किशोर एक दो दिन में बनर्जी के साथ जाएंगे गोवा यात्रा पर। वैसे भी असम के अलावा यूपी और गोवा में होने हैं विधानसभा चुनाव। आगामी फरवरी मार्च में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में काफी बड़ी संख्या में बंगाली आबादी, 65% त्रिपुरा में, 28% आसाम में और 9% मेघालय में। गोवा के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के टीएमसी में शामिल होने की भी चर्चा जोरों पर है, तो वहीं गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश ने इसे बकवास बताया है। दरअसल गोवा विधानसभा में अब 40 में से कांग्रेस के 5 विधायक ही बचे हैं। कांग्रेस के 10 विधायक 2019 में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो ऐसे में ये जो दौरा है बेहद खास हो जाता है, अपने आप में बेहद अहम हो जाता है और सबकी नजरें भी इसी ओर है कि इस दौरे के साथ क्या कुछ प्रमुख बातें होंगी जिनको साधने की कोशिश की जाएगी और क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर नजर होगी। तो ममता बनर्जी का त्रिपुरा, असम और गोवा में खेला होबे का जो नारा है वो नजर आएगा। प्रशांत किशोर एक दो दिन में बनर्जी के साथ गोवा यात्रा पर जाएंगे। वैसे भी असम के अलावा यूपी और गोवा में होने हैं विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में उस लिहाज से भी ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आगामी फरवरी मार्च में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में काफी बड़ी संख्या में बंगाली आबादी रहती है, तो ऐसे में कोशिश ये भी होगी कि जो बंगाली आबादी वहां पर रहती है उसको साधा जाए। कोशिश और कवायद इसी स्तर पर की जाएगी। तो वहीं अगर आपको आबादी का प्रतिशत हम आपको बता दें तो त्रिपुरा में 65%, आसाम में 28% और मेघालय में 9% जो आबादी है वो बंगाली है। तो वहीं गोवा के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के टीएमसी में शामिल होने की भी चर्चा जो है जोरों पर है। हालांकि गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश ने इसे बकवास ही बताया है। दरअसल गोवा विधानसभा में अब 40 में से कांग्रेस के 5 विधायक ही बचे हैं। कांग्रेस के 10 विधायक 2019 में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो वहीं पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है और केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी निकाय नहीं बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट है। पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के तहत लाने को लेकर याचिका जो है वो दायर की गई। जवाब में पीएमओ के अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने सरकार का पक्ष रखा। ट्रस्ट को चंदे में प्राप्त धनराशि केंद्र सरकार की सिंचित निधि में नहीं जाती, यही वजह है इसे न तो सरकारी प्राधिकार और न ही सरकार के तौर पर चिन्हित किया जा सकता है। तो ऐसे में ये अहम बयान जो है वो दिया गया और जो याचिका दायर की गई थी उसके जवाब में ये पूरा जवाब दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी निकाय नहीं बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट है। पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के तहत लाने को लेकर एक याचिका जो है वो दायर की गई थी। तो जवाब में पीएमओ के सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने सरकार का जो पक्ष है वो रखा है। ट्रस्ट को चंदे में प्राप्त धनराशि केंद्र सरकार की सिंचित निधि में नहीं जाती, यही वजह है इसे न तो सरकारी प्राधिकार और न ही सरकार के तौर पर चिन्हित किया जा सकता है। पंजाब एक्शन के बाद हुड्डा की सक्रियता। अमरिंदर को हटाने के बाद कांग्रेस के कई क्षत्रप नेताओं की उड़ी नींद। अब इन क्षत्रपों को सता रहा है डर कि 5 दशकों से दोस्त रहे अमरिंदर को आलाकमान हटा सकता है, तो वो किस खेत की मूली है। हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में बुलाई बैठक। दरअसल हुड्डा दिखाना चाहते थे कि उनके साथ कितने विधायक हैं। हुड्डा की बैठक में पहुंचे 31 में से 25 विधायक, लेकिन अमरिंदर के पास भी विधायकों का था भारी भरकम साथ। फिर भी आलाकमान ने अमरिंदर को हटाने में नहीं लगाया समय। हालांकि हरियाणा में हुड्डा के बराबर नहीं कोई बड़ा नेता, तो ऐसे में जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस का एक्शन जो है वो नजर आया और जो कप्तान है पंजाब के उन्हें बदल दिया गया, तो ऐसे में जो अन्य राज्य है वहां पर भी जो घमासान जो है सियासी वो लगातार जारी है। तो ऐसे में पंजाब एक्शन के बाद हुड्डा भी जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं। अमरिंदर को हटाने के बाद कांग्रेस के कई क्षत्रप नेताओं की जो है नींद जो है वो उड़ गई है। अब इन क्षत्रपों को
डर सता रहा है कि 5 दशक से दोस्त रहे अमरिंदर को आलाकमान हटा सकता है तो फिर वो किस खेत की मूली है। हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में बैठक बुलाई। दरअसल हुड्डा दिखाना चाहते थे कि उनके साथ कितने विधायक हैं, कितने विधायकों का साथ उनके साथ है। तो ऐसे में हुड्डा की बैठक में जो है 31 में से 25 विधायक पहुंचे, लेकिन अमरिंदर के पास भी विधायकों का था भारी भरकम साथ। फिर भी आलाकमान ने अमरिंदर को हटाने में समय नहीं लगाया। हालांकि हरियाणा में हुड्डा के बराबर कोई बड़ा नेता नहीं है। कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के बेटे नहीं बनते सीएम, पिछले कई दशकों से चलता आ रहा सिलसिला। हरियाणा की पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बेटे दीपेंद्र हुड्डा को बनाना चाहते हैं सीएम, लेकिन कांग्रेस की परंपरा को देखते हुए ये है चिंतित। आंध्र प्रदेश में YSR रेड्डी के पुत्र जगन मोहन को नहीं बनाया सीएम, हालांकि बाद में अलग पार्टी बनाकर सीएम बने जगत रेड्डी। बड़े नेताओं के पुत्रों को कांग्रेस नेताओं को केंद्र में जरूर दिया मौका। अब हुड्डा को कांग्रेस से बाहर होकर ही बेटे के लिए संभावना बनती दिख रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से हुड्डा की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक और तो पंजाब में बड़ा परिवर्तन किया गया, तो वही दूसरी बात अगर हम लोग करें तो कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के बेटे जो है वो सीएम नहीं बनते, ऐसी परंपरा कांग्रेस में ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में हुड्डा की जो चिंता है इस और भी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कई दशकों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम जो है भूपेंद्र हुड्डा बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की परंपरा को देखते हुए वो चिंतित हैं। आंध्र प्रदेश में YSR रेड्डी के पुत्र जगन मोहन को सीएम बनाया नहीं गया, और हालांकि बाद में अलग पार्टी बनाकर सीएम बने जगत रेड्डी। बड़े नेताओं के पुत्रों को कांग्रेस नेताओं को केंद्र में जरूर मौका दिया गया। अब हुड्डा को कांग्रेस से बाहर होकर ही बेटे के लिए संभावना जो है बनती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में भाजपा की चिंता, बीजेपी ने उत्तराखंड में 6 माह में 2 सीएम को हटाया। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी आश्वस्त नहीं है। विधानसभा चुनाव में खुद के दम पर सरकार बना पाएगी या नहीं, कांग्रेस से हरीश रावत, आपकी ओर से अजय कोठियाल है सामने। दोनों को सीएम फेस के रूप में देख बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही है। बीजेपी को राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की लग रही है आहट। केजरीवाल के लोक लुभावन चुनावी वादों से दिलचस्प बन रहा है माहौल। फ्री बिजली पानी और 6 माह में 1 लाख नौकरी का किया वादा। वहीं बीजेपी भी बिना रिस्क लिए हरीश रावत पर नहीं कर रही जुबानी हमला। रावत की मैदान से लेकर पहाड़ तक लोकप्रियता से बीजेपी वाकिफ है, और ऐसे में बीजेपी ठाकुर मतदाताओं को नहीं करना चाहती नाराज। जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी एक्शन में नजर आ रही है, कई अहम दौरे जो है रखे गए। आपको बता दें कि अगले कुछ ही महीनों में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में दौरा हो सकता है। तो तमाम ये जो सभी घटनाएं हैं वो ये बताती है कि उत्तराखंड में भाजपा की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप एक और सक्रिय नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सक्रिय नजर आ रही है, और समय बहुत कम है विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में बीजेपी ने उत्तराखंड में 6 माह में 2 सीएम को भी हटाया है। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी आश्वस्त नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में खुद के दम पर सरकार बना पाएगी या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस से हरीश रावत, आपकी ओर से अजय कोठियाल जो है वो सामने हैं, उनसे सीधी टक्कर है, और दोनों को सीएम फेस के रूप में देख बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी को राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की भी लग रही है आहट कि ये जो पूरा मुकाबला है कहीं त्रिकोणी ना हो जाए, त्रिशंकु ना हो जाए। तो ऐसे में ऐसी आहट भी जो है वो बीजेपी को लग रही है। केजरीवाल के लोक लुभावन चुनावी वादों से जो पूरा माहौल है वो दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने, जो केजरीवाल है उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि फ्री बिजली पानी और 6 माह में 1 लाख नौकरी का वादा किया है, क्योंकि जिस वादे के जरिए केजरीवाल जो है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सक्सेसफुल हो पाए। तो ऐसे में यहाँ पर भी बड़े वादे, लोक लुभावन वादे वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी बिना रिस्क लिए हरीश रावत पर नहीं कर रही जुबानी हमला। रावत की मैदान से लेकर पहाड़ तक लोकप्रियता से बीजेपी वाकिफ है, और ऐसे में बीजेपी ठाकुर मतदाताओं को नहीं करना चाहती नाराज। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर।
तो कब होगा योगी मंत्रिमंडल विस्तार? पिछले 4-5 माह से चल रही इसको लेकर अटकलें। AK शर्मा जब लखनऊ आए थे तब विस्तार की चल रही थी बात, लेकिन भाजपा ने राज्य भाजपा का बना दिया उपाध्यक्ष। गत दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे CM योगी, तब खबरें यह आई थी कि संभावित मंत्रियों की जो योगी और शाह ने बात जो है वो की है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए जितिन प्रसाद को मंत्री बनाने की थी चर्चा, लेकिन एक बार चर्चा बनकर रह गई सुबुगाहट। अब देखना होगा विस्तार पर भाजपा क्या लेती है अपना स्टैंड, क्योंकि लगातार अटकलें तेज है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो किया जाएगा। पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि कब होगा योगी मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि पिछले 4-5 माह से इसको लेकर के जो अटकलें हैं वो काफी ज्यादा तेज है। AK शर्मा जब लखनऊ आए थे तब विस्तार की बात चल रही थी कि शायद अब विस्तार होगा, लेकिन भाजपा ने राज्य भाजपा का उपाध्यक्ष उन्हें बना दिया। तो ऐसे में उस टाइम भी ये जो पूरी बात है ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आई, पर अब ऐसे में लगातार अटकलें जो है फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गत दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे CM योगी, तब खबरें ये आई थी कि संभावित मंत्रियों की जो संभावना है वो योगी ने शाह को दिखाई थी। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए जितिन प्रसाद को मंत्री बनाने की भी चर्चा थी कि ऐसे में ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का हाथ का साथ जो है छोड़कर जितिन प्रसाद जो है भाजपा में आए हैं, तो ऐसे में उनको भी मंत्री पद दे दिया जाए, लेकिन एक बार चर्चा बनकर रह गई सुबुगाहट। अब देखना होगा कि विस्तार पर भाजपा क्या अपना स्टैंड लेती है। रेलवे के एक अजीब आदेश से रोज हजारों यात्री परेशान, ट्रेनों के AC कोच में रात को चार्जिंग पॉइंट्स में नहीं आती बिजली, रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहती है बिजली, इस कारण लोग रात में AC कोचों में चार्ज नहीं कर पा रहे हैं अपने मोबाइल। दरअसल करीब 6 माह पहले शताब्दी एक्सप्रेस में हुई थी एक दुर्घटना, शताब्दी के AC कोच में आग लगने के बाद रेलवे ने निकाला अजीब आदेश, रात को कोचों के अंदर चार्जिंग पॉइंट्स में बिजली बंद करने का आदेश दिया गया। तर्क यह है कि यात्री कई बार इन पॉइंट्स में लगा देते हैं लैपटॉप और इलेक्ट्रिक केटली और इस कारण शॉर्ट सर्किट से रहता है आग लगने का अंदेशा। हालांकि रेलवे का यह तर्क अपने आप में बेतुका है, क्योंकि इस तरह तो दिन में भी हो सकते हैं शॉर्ट सर्किट की जो घटनाएं हैं, तो ऐसे में ये तर्क जो है बिल्कुल बेतुका सा नजर आता है, क्योंकि क्या अपनी ही तकनीकी खामियों को सुधारने का कार्य करेगा रेलवे प्रशासन, ये भी अहम सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। क्या अपनी तकनीकी खामियों को सुधारने का जो काम है वो रेलवे प्रशासन करेगा, या इस तरीके से अजीब बेतुके आदेश जो है वो जारी कर दिए जाएंगे? तो ऐसे में बड़ा सवाल और बड़ी परेशानी यहाँ पर, क्योंकि रेलवे के एक अजीब आदेश से रोज हजारों यात्री जो है वो परेशान हो रहे हैं। ट्रेनों के AC कोच में रात को चार्जिंग पॉइंट्स में बिजली जो है वो नहीं आती है, रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली बंद रहती है, इस कारण लोग रात में AC कोचों में चार्ज नहीं कर पा रहे हैं अपना मोबाइल। दरअसल करीब 6 माह पहले शताब्दी एक्सप्रेस में एक दुर्घटना हुई थी, शताब्दी के AC कोच में आग लगने के बाद रेलवे ने अजीब आदेश निकाला है, रात को कोचों के अंदर चार्जिंग पॉइंट्स में बिजली बंद करने का आदेश दिया गया है, और इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि यात्री कई बार इन पॉइंट्स में लगा देते हैं लैपटॉप और इलेक्ट्रिक केटली और इस कारण शॉर्ट सर्किट से रहता है आग लगने का अंदेशा। हालांकि रेलवे का यह तर्क अपने आप में बेतुका है, क्योंकि इस तरह तो दिन में भी हो सकती है शॉर्ट सर्किट की आशंका। क्या अपनी तकनीकी खामियों को सुधारने का कार्य करेगा रेलवे प्रशासन? नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को मिलेगा निशुल्क भोजन, इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से दिया जाएगा निशुल्क भोजन, अशोक गहलोत सरकार का संवेदनशील फैसला, मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रावली पर दी मंजूरी, इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश, जिला कलेक्टर जिला परीक्षा संचालन समिति के अध्यक्ष और उपखंड अधिकारी के लिखित आदेश तय होगी आपूर्ति, इंदिरा रसोइयों से भोजन के पैकेट की होगी आपूर्ति, रसोई संचालकों को प्रति भोजन पैकेट 8 रुपए और पैकेजिंग के 5 रुपए का होगा भुगतान, जिला कलेक्टर अध्यक्ष जिला परीक्षा संचालन समिति करेंगे भुगतान, अभ्यर्थी से नहीं ली जाएगी किसी प्रकार की कोई राशि। रीट को बीट करना अभ्यर्थियों के लिए चुनौती तो है ही, साथ ही प्रशासन भी इसी कोशिश और कवायद में है कि जो बच्चे एग्जाम देने आए उनका पूरा फोकस सिर्फ एग्जाम पर हो, कोई तकलीफ उनको ना हो, कोई दिक्कत उनको ना हो। तो ऐसे में बड़ा संवेदनशील फैसला जो है वो लिया गया है और रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को निःशुल्क भोजन जो है वो मिलेगा, इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से दिया जाएगा ये निःशुल्क भोजन, अशोक गहलोत सरकार का बड़ा संवेदनशील फैसला ये, मंत्री शांति धारीवाल ने
पत्रावली पर मंजूरी दे दी है। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। जिला कलेक्टर, जिला परीक्षा संचालन समिति के अध्यक्ष और उपखंड अधिकारी के लिखित आदेश से आपूर्ति जो है वो की जाएगी। इंदिरा रसोइयों से भोजन के पैकेट की आपूर्ति होगी। रसोई संचालकों को प्रति भोजन पैकेट 8 रुपए और पैकेजिंग के 5 रुपए का जो है भुगतान किया जाएगा। जिला कलेक्टर, अध्यक्ष, जिला परीक्षा संचालन समिति करेंगे भुगतान। अभ्यर्थी से नहीं ली जाएगी किसी प्रकार की कोई राशि। तो बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा करंट, उपभोक्ताओं पर आएगा स्मार्ट मीटर का 4,000 करोड़ का भार। स्मार्ट मीटर की स्मार्ट सोच पर सामने आया सब्सिडी विवाद। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से जताई जरूरत। सब्सिडी 15 से बढ़ाकर 60% करने की जताई जरूरत। दिया डिस्कॉम की आर्थिक तंगी का हवाला। करीब 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लगने हैं स्मार्ट मीटर, तो ऐसे में बड़ा झटका भी इसे कह सकते हैं जो बिजली उपभोक्ताओं को लगने वाला है, क्योंकि उपभोक्ताओं पर आएगा स्मार्ट मीटर का 4,000 करोड़ का भार। स्मार्ट मीटर के स्मार्ट सोच पर सामने आया सब्सिडी विवाद। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से जताई जरूरत। सब्सिडी 15 से बढ़ाकर 60% करने की जो जरूरत है वो जताई है। तो वहीं डिस्कॉम की आर्थिक तंगी का हवाला दिया गया है। करीब 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लगने हैं स्मार्ट मीटर। प्रशासन शहरों के संघ अभियान की तैयारी के लिए शिविर। जेडीए में महज अब तक आए आवेदन। पट्टों के लिए आए 2,350 आवेदन, इनमें से 240 प्रकरण ही अब तक पहुंच पाए हैं। पट्टे जारी करने के स्तर तक पहुंच पाए हैं। आवेदनों की संख्या बढ़ाने के लिए जेडीए जो है वो प्रयास कर रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। अभियान के पहले दिन जारी करने हैं 10,000 पट्टे, तो बड़ा टारगेट यहाँ पर दिया गया है पट्टे जारी करने का। तो ऐसे में तैयारी शिविर जो है वो लगाया जा रहा है। जेडीए में महज अब तक कुछ ही आवेदन आए हैं पट्टों के लिए। 2,350 आवेदन ही आए हैं, इनमें से 240 प्रकरण ही अब तक पहुंच पाए हैं। पट्टे जारी करने के स्तर तक पहुंच पाए हैं ये आवेदन, तो वहीं आवेदनों की संख्या बढ़ाने के लिए जेडीए प्रयास कर रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रयास जो है वो जेडीए कर रहा है। अभियान के पहले दिन जारी करने हैं 10,000 पट्टे। सूचना न देने पर जुर्माना वसूली, महज ऊंट के मुंह में जीरा। 1848 में से महज 318 प्रकरणों में जुर्माना वसूल पाए संबंधित एचओडी। 1848 प्रकरणों में 2,28,56,000 से ज्यादा के जुर्माने, इसमें से 2,15,78,000 से ज्यादा के जुर्माने वसूले जाने बाकी हैं। तो वहीं बकाया क्षतिपूर्ति की राशि 3,30,000 से भी ज्यादा, 12,78,250 की राशि का ही जुर्माना वसूला जा सका। क्षतिपूर्ति की कुल राशि 3,99,100 तय की गई है, जिसमें से महज 6,000 की राशि का ही भुगतान किया गया। ये सरकारी मशीनरी की विफलता तो बताती ही है, खुद राज्य सूचना आयोग के पावर पर भी सवालिया निशान जो है यहाँ से लगता हुआ नजर आता है। क्योंकि बेहद अहम ये पूरा मसला, और जिस तरीके से सूचना न देने पर जुर्माना वसूली जो है वो महज ऊंट के मुँह में जीरा के बराबर है। 1848 में से महज 318 प्रकरणों में जुर्माना वसूल पाए हैं संबंधित एचओडी। 1848 प्रकरणों में 2,28,56,000 से ज्यादा के जुर्माने हैं, इनमें से 2,15,78,000 से ज्यादा के जुर्माने वसूले जाने अभी बाकी है। तो वही बकाया क्षतिपूर्ति की राशि 3,03,000 से भी ज्यादा है, तो वही 12,78,250 की राशि का ही जुर्माना जो है वो वसूला जा सका है। क्षतिपूर्ति की कुल राशि 3,99,100 तय की गई है, जिसमें से महज 6,000 की राशि का ही भुगतान किया गया है। यह सरकारी मशीनरी की विफलता तो बताता ही है, खुद राज्य सूचना आयोग के पावर पर भी सवालिया निशान जो है वो लगाता है।